नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उदयलाल डांगी ने रालोपा से नामांकन भर दिया था और मंगलवार से उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में आम सभा करके विरोधियों के सामने ताल भी ठोक दी है। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन उदयलाल डांगी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पर्चा भर दिया और ये बता दिया कि उनका अब बदलने का कोई मन नहीं है। मंगलवार को उदयलाल डांगी की वल्लभनगर के दशहरा चौक में सभा में अपार जन समूह उमड़ पड़ा। कहीं ना कहीं अशक्ति प्रदर्शन बाकी प्रत्याशियों के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। बता दें कि उदयलाल डांगी भाजपा के बहुत ही सशक्त उम्मीदवार थे, हर तरह से वे दावेदार माने जा रहे थे। उनके काम की दुहाई भी दी जा रही थी कि उन्होंने भाजपा को बहुत कुछ दिया है। वल्लभनगर विधानसभा में दो प्रधान भी बनाए और भी कई सारे काम उन्होंने किए थे और भाजपा को जीत भी दिलाई, लेकिन एक कर्मठ कार्यकर्ता का इस तरह से टिकट कट जाना उदयलाल डांगी के लिए तो चौंकाने वाला था ही, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए भी काफी निराशा उत्पन्न करने वाला था। इस बात को लेकर वे भावुक भी हो गए थे और इसके वीडियो भी वायरल हुए थे। भाजपा पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप भी लगाए गए थे। उनके समर्थकों ने इस्तीफे देने की पेशकश तक भी कर दी थी। बहरहाल उदयलाल डांगी के चुनाव लड़ने से यह माना जा रहा है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता सेना को होगा और RLP और जनता सेना के टकराने से कांग्रेस को फायदा ही है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि वल्लभ नगर विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी वोट किस करवट बैठता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए। मन की बात में